नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। खबरें वही जो है सही। आप देख पा रहे हैं, मैं श्रावस्ती जनपद के सिरसिया में खड़ा हूं, जहां पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा पल्स और सहारा के पैसा को लेकर के यहां पर धरना किया जा रहा है। आप हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि इधर की तस्वीरें दिखाएं कि देखिए, भारी मात्रा में जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो लोगों का पैसा जमा हुआ था सहारा और पल्स में, जिसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और लोग धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो सहारा और पल्स के द्वारा जो पैसा जमा कराया गया था, जो सरकार के द्वारा उनको बंधित कर दिया गया है, जिसको लेकर के जो है जो उपभोक्ता है उनको पैसे नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो पदाधिकारी हैं, खुद जिला अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो है पैसे की जो है दिलाने की मांग भी कर रहे हैं। आइए हम आप बात करते हैं जो हमारे कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांगे हैं कि जो सहारा और पल्स की कंपनियों बैंकों ने जो पैसा गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, शहरी दुकानदारों का, ठेला पट्टियों का जो पैसा बाकी है, लगातार वो दौड़ दौड़ के जाक्स बैंक में जा रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 4 तारीख को जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को घेरा था और आज विधानसभा स्तर पर हम लोग ब्लॉकों पर बैठे हुए हैं। जब तक किसान, गरीब, नौजवान, ठेला पट्टी, शहरी दुकानदारों का पैसा जब तक नहीं मिल जाएगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि सहारा के जो बैंक वाले हैं, उन गरीबों किसानों का पैसा वापस करें, जिन्होंने 10-5 रुपए करके इकट्ठा करके जमा किया था। ये पैसा सरकार के पास है, कंपनी के पास है? ये पैसा कंपनी के पास है, लेकिन जिम्मेदार तो सरकार है। सरकार क्यों नहीं कहती है इनसे कि इनका पैसा, इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, इनको लीलाम करके इनका पैसा, जो गरीब किसान ने 10-10, 20-20, 50-50 रुपए करके जमा किया था, उनका वापस करे। आज सरकार में वो है। हम कहना चाहते हैं कि यदि हमारी सरकार 2022 में बनती है तो तत्कालीन भीम 1 हफ्ते के अंदर इनका सब गरीबों का पैसा वापस किया जाएगा। जिलाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार जो है, जो गरीबों का पैसा है पल्स और सहारा में जमा हुआ है, उस पैसे को वापस नहीं करेगी, तो हम लोग इसके लिए जिले नहीं, हम प्रदेश स्तर पर इसका विरोध करेंगे और सरकार को इन गरीबों का पैसा दिलाना चाहिए। कैमरामैन शिवशंकर तिवारी के साथ, मैं रमेश गुप्ता, श्रावस्ती। बीस सालों में उनका पैसा वापस नहीं ले पा रहे। दीपाजी को हमारे खातों में जमा कराए गए पैसों के लिए लोग 4-5 सालों से सहारा का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं मिल पा रहा। सहारा के बैंक जाने पर वहाँ मौजूद लोग पैसा मिल जाएगा, ये कहकर टाल दो। सहारा इंडिया के लगभग 12 लाख कर्मचारी इससे भी प्रभावित हैं। पिछली सरकारों ने ऐसे लोगों को कई छूट दी थी, जिनके पैसे सहारा में फंसे हैं, उनको जरूरत के समय तो नहीं मिल पाए, अभी तक मिलने का कोई संभावना नजर नहीं आ रही। सरकार के पास ऐसा कोई डाटा या सूची नहीं है जिससे ये पता चल पाए कि प्रदेश में कितने लोगों का कितना पैसा फंसा है। प्रदेश को ऐसा कोई जिला या क्षेत्र होता नहीं है जहां गरीब और सामान्य लोगों का पैसा सहारा में न जमा हो। पल्स ग्रुप की कंपनी रियल इस्टेट की कंपनी में प्लाटिंग व हाउसिंग की स्कीम तहत के पैसा जमा किया गया। सेबी और 22 अगस्त 2014 को बंद किया गया। सेबी ने आरोप लगाया कि RDFD के नाम से लोगों से अवैध पैसा ले रहे हैं। टोटल निवेशक 5.85 करोड़, टोटल देनदारी 49,100 करोड़ रुपया है। 2 फरवरी 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी व सेबी के 6 माह में पैसा भुगतान करने का आदेश दिया, जबकि 6 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक सिर्फ 2% लोगों का ही अधूरा भुगतान किया गया। पल्स कंपनी के ऑफिसों में 50% से अधिक पॉलिसी जमा है, सेबी उन पॉलिसियों को भुगतान करने में मना कर रही है। पॉलिसी खरीदने के उपरांत ऑफिस द्वारा लोगों को पावती दी गई। ऐसी पावती वाले ज़्यादातर लोग छोटे छोटे वर्ग के हैं, तुरंत सेबी पॉलिसी की पावती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सहारा व पल्स कंपनियों में निवेश करने वाले प्रदेश के गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों को सूचीबद्ध कर तत्काल उनका पैसा वापस हो।
सरकार इसमें हस्तक्षेप करते हुए सहारा इंडिया समूह पल्स व सेबी को इसके लिए निर्देशित करे। अनुरोध है कि एक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि आप और आप भी हम लोगों को जो सब इस पे आश्वासन दे दीजिए कि चलिए प्रश्न है जो विधिक कार्रवाई